श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, ये तो मैं आपको बता ही नहीं, आगे बताती हूँ। लेकिन अभी हमारी काऊ यहाँ पे चारा खा रही, तो चलते अभी आगे की ओर। तो आज क्या करना है अभी तय नहीं किया है, अभी खेत में बस पहुँचने वाले, क्योंकि अभी गाँव से खेत तक आना होता है। पहले घर से बाहर निकलो, खेत में आधा मक्त। लेकिन अभी देखो आप यहाँ से, और जून से स्टार्ट है हमारे इधर, जैसी बारिश हो गई तब से कॉलीफ्लावर स्टार्ट है, अभी तक वैसे ही है। तो अभी भी वही चल रहा है, बस एक खत्म होता है नेक्स्ट शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से अभी क्या करना है अभी आगे। और हमारे आंगन में बहुत क्यूट से रोज है, और वो मेल लगाए बिना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। बचपन से मेरी आदत है, कभी भी मेरे बाल बिना फ्लावर्स के नहीं रहे। और नदी में पानी भी अभी कम होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस पानी की आवाज़ बहुत सुंदर लगती है। और अभी मैं जा रही हूँ खेतों की ओर। तो आज हमारे खेत में कुछ स्पेशल काम शुरू है, और वो मेरे को करना है। और अभी तो मैं नदी किनारे किनारे यहाँ पे घूमते घूमते आ गई हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या शुरू है। और यहाँ पे आज बैंगन के घर में वखर चलाना था, और ये बैल है कि सुनते ही नहीं है, बहुत टेढ़े मेढ़े से चल रहे। और ये खेतों में ना सही से पटापट से करने वाले बैल चाहिए, पर ये बैल है ना आज बहुत सता रहे। ऐसे तो ये करते नहीं, लेकिन पता नहीं इनको आज क्या हो गया है, तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अभी देखो आप लोग कैसे चल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को पौधे भी खराब नहीं होने देना है। और ये उबट मतलब उस पर खड़े होके ही चलाना है, क्योंकि तभी जाके इसमें लगेगा कुछ, क्योंकि ये पहाड़ पत्थर और ये सब है उसमें, तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अभी मैंने बहुत कोशिश की तब जाके ये चलने लगे, और अभी देखो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन ये है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा, और हमारा दशरथ उसको पीट भी रहा था, पर भी वो उसका शायद आज मन ही नहीं गया। कभी कभी हम लोगों का भी होता है ना, कभी कभी कुछ भी नहीं करने का मन करता है, तो ये जानवर के साथ भी हो रहा होगा। लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, बस 5-6 सरी है जो पटापट से वखर चलाना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पानी भरना है बाद में, तो इसीलिए इसको ख़त्म करना है पटवापट से। क्योंकि इसमें ऐसे पानी भरा तो जो अनचाही घास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर वो निकालने में बहुत दिक्कत लाती, तो इसीलिए इसको अभी छोटे है तब तक ही वखर चलाएंगे, और बाद में बहुत इजी जाएगा इसको खुरपा लगाने में। तो बैल देखो मानने सुनने की हालत में ही नहीं है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को ही आता नहीं। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि फटाफट से और जल्दी से सब सही करें। और इसी तरह से मैंने उनको थोड़ा सा सही कर दिया है, और अभी चल रहे अच्छे से। तो अभी इसको मुड़ा लेते हैं वापस से, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ना बावड़ी भी पास में ही है,
और अभी शिवा बहू भी आ गया था, वो बोल रहा था चलो आज इनको क्या हुआ चलो देखते हैं हम लोग। तो हम दोनों फिर से निकल पड़े, वो बोला कि उनको मैं चला देखता हूँ एक को और एक को तुम देखो। फिर इसी तरह से हम लोगों ने वापस से स्टार्ट किया, क्योंकि ये ब्रिंजल अभी बहुत जल्दी अच्छे ग्रो करने वाले, इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे और ये देसी वाले, तो इस पर चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी फटाफट से ये वक्र उस साइड तक लेकर जाना है, और उस साइड मतलब चार बार इधर और चार बार उधर से, तो फिर ये फिनिश हो जाएगा। तो ये ज़्यादा नहीं है पर इतने ही रहेंगे, तो अभी इसको मार्केट में भी बहुत अच्छे रेट मिल रहे, तो यही हमारे गेहूँ से भी ज़्यादा बराबर अच्छे रहेंगे। तो अभी देख सकते हो आप कि मिट्टी चला उखड़ने से कितने यहाँ पर हरे हरे और अच्छे दिख रहे हैं, और इधर के थोड़े से डरावने। तो ये होता है फ़ायदा कि जब हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आप देख ही रहे हो कि दोनों में कितना अंतर पड़ा है, और अभी हमारे बैल बहुत अच्छे से चल रहे हैं और मैं भी उसको चला रही हूँ। तो अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी लग रहा है कि फटाफट से काम ख़त्म होगा। आज हम लोगों को ये बैंगन लगाए हुए आप देख सकते हो यहाँ पे, उसको बहुत अच्छे से फ्लावर भी आ चुके हैं, और ये पर्पल कलर के फ्लावर दिखते भी बहुत सुंदर, और इस पे देख सकते हो आप इतने सारे काटे। और इसको हम लोग अभी वखरना शुरू है हम लोगों का, तो ये जू है ना वो गलत लग गया है, तो अभी उसको हटा के दूसरा डालते तब जाके वो सही से बैठेगा। तो तब और ये ना इधर से उधर टेढ़े मेढ़े होते जा रहा है, तो इसीलिए उसको इसको हटाकर उस पर डालते हैं। फिर ये छोटा वाला लगाएंगे तो बहुत सही से चलेगा, ये बड़ा वाला आते हैं। और फिर ऐसे लगा कि ये लोग आज परेशान कर रहे हैं, कहीं ये जू ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। फिर हम लोगों ने छोटा लाए और फिर उसको भी फिट कराए, तो फिर अभी देखते हैं कि इसके बाद वो कैसे चलते। और आप देख रहे हो इस तरह से उस जू को उस बैलों के सर पे रखना है और उसको पैक करना है, तब जाके ये बैल फिर से बहुत अच्छे से जो बचा हुआ काम है वो करेंगे। तो इसीलिए अभी हम दोनों ने इसको अच्छे से पैक कर दिया और फिर वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी लोड शेडिंग रात में पानी इसको भरना पड़ेगा, तो अभी तो इसको रेडी रखेंगे तब जाके ये रात को इजीली हो जाएगा। और अभी ये छोटा जू लगाया है यहाँ पे, तो वो भी गिर गया, और फिर आगे उसको लगाएंगे, लेकिन बैल भी इतने बड़े बड़े और ये फट्टी भी बड़ी है, तो देखते हैं अभी इसमें ये छोटा वाला सही से बैठता है कि नहीं। अभी इसको भी जोड़ दिया, बैलों को भी जोड़ दिया।
आखिरकार ऐसे तैसे करके ये अभी बैल बहुत अच्छे से चलने लगे। जू भी बदला, इसीलिए बोलते एक से गलती हो गई तो उसे वापस वही छोड़ना नहीं चाहिए, उससे आगे कुछ ना कुछ हम लोग प्रयास करेंगे तो सक्सेस जरूर होंगे। देखो बावड़ी के सामने थी फिर भी मैंने डेयरिंग की, ऐसा नहीं कि मैं मेरे बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग खुद पे ट्रस्ट करें और जो चीज़ें। और आप देख सकते हो बावड़ी भी इतनी पास है कि बहुत इधर उधर थोड़ा सा भी होना बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। ये काम बहुत खतरनाक है, बैल किसी के या दुश्मन नहीं होते क्योंकि वो बस अपना काम करते हैं, लेकिन उनका बैलेंस हम लोग नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो अभी देखो हमारे बैल बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ये अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मैंने इनका एक्सपीरियंस लिया था पर इतना ज़्यादा नहीं, तो आज पता चला कि ये बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। और आप देख सकते हो उस दौरान में पूरी फिसल गई वहाँ पे, तो फिर सबने हेल्प किया और उनको घर जाकर पानी पिलाएंगे अभी। और अभी ये काम करते करते मेरा हाथ पाँव और पाँव भी बहुत दर्द हो रहा था, उस पर जख्म भी निकला, फिर इसीलिए मैं बता ही नहीं, पर लेकिन मेरे को भी बहुत दर्द हुआ और फिर मैं यहाँ आके बैठ गई चाय पीने। तो उसके साथ यहाँ पे चाय के साथ गर्मा गर्म क्या है कुछ तो खास था, लेकिन ये गोभी है ना, अभी इसका सीजन खत्म हुआ, अभी देखो इसमें क्या होगा, ये ऊपर से गादी जैसी हो रहा है, जैसे फ्रेश दिखती थी ना पहले वैसे नहीं दिख रही, ये खराब होती जा रही, इसलिए इसको फटाफट से हटाना है और इसमें गेहूं डालना है फिर से, है ना, क्योंकि अभी ये खेत भी क्या करेगा बेचारा, जून से शुरू है गोभी 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 गोभी, हाँ पहले भी गोभी अभी भी गोभी, बस गोभी एक गोभी 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 समाई थी क्या दूसरा। तो इसी तरह से मैंने आज मेरा आज तो बस गई, नहीं तो एक जगह पे बैठना पड़ता क्या वाल, वो एक जगह पे बैठती मैं बैठ नहीं पाती, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा रहम खाया और बचा दिया लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम संभाल के करूंगी। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।